पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार को देखते हुए योगी सरकार के राज्य में रविवार के दिन लॉकडाउन का असर देखने को मिला और सरकार ने सभी प्रमुख शहरों में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। लॉकडाउन के दौरान दवा दुकानें और आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें खुली रहीं। राज्य में रविवार का लॉकडाउन 15 मई तक जारी रहेगा। सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। इसी बीच प्रमुख शहरों के सभी नगरपालिका अधिकारियों ने सैनिटाइजेशन अभियान चलाया। सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को भी सैनिटाइज किया गया। इस दौरान शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा तो वहीं जो लोग निकले भी तो बस जरूरी काम को पूरा करने के लिए। हर चौराहा, हर गली सन्नाटे में पसरी रही तो वहीं कुछ जगह पर युवा सड़कों पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राज्य सरकार अब मास्क के इस्तेमाल को लेकर सख्त हो गई है और जुर्माने को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आज श्री सर्राफा कमेटी मंडी चौक मुरादाबाद की ऑनलाइन सभा नगर विधायक रितेश गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सोमवार 19 अप्रैल और मंगलवार 20 अप्रैल को सभी सर्राफा व्यवसायी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। महामारी कोरोना का भयावह रूप सबके सामने है और गवर्नमेंट ने 35 घंटे का कर्फ्यू लगाया है, जो शनिवार शाम 8 बजे से लेकर सोमवार प्रातः 7 बजे तक लागू है। महानगरवासियों ने जो मदद गवर्नमेंट की, शासन की, प्रशासन की करी है, वो एक बहुत अच्छी नीति के अनुसार करी है और मैं आगे आशा करता हूँ कि ऐसी महानगरवासी आगे भी ऐसा ही करेंगे और प्रशासन को और शासन को सहयोग देंगे, जिससे कोरोना महामारी को भगाने में सब महानगरवासियों की मदद मिले। और मास्क का हर कीमत पर प्रयोग करना है और 2 गज की दूरी का, और अगर इन चीज़ों को हमने सख्ती से पेश किया तो जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, जो बड़ी भयावह रूप में है, जो हवा में भी इसका असर है, हम इससे बच पाएंगे और औरों को बचा पाएंगे। और हम सहयोग करने के साथ साथ हमें अपने आप को भी सेव करना है, अपने आप को भी बचा के रखना है। जय हिंद, जय भारत।